गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू अ चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर। कम टू टेक्स्ट बुक पेज नंबर 156, क्वेश्चन नंबर 13। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। राधा एंड विकास वेर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:2। बैलेंस शीट इज गिवन। अब इसमें हमें क्या क्या दिया है, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल है और करंट है। जब भी करंट अकाउंट होगा तो आपको लेजर में करंट अकाउंट बनाना है, कैपिटल डायरेक्टली लाइबिलिटी में जाएगा। सो आपको क्या क्या बनाना है, जर्नल या दोनों बनाना है या ओनली लेजर? सो लेट सी। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो लेजर बोला है, सो हम लेजर ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट लेजर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, सेकेंड पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड थर्ड न्यू बैलेंस शीट। नाउ विल स्टार्ट विथ फर्स्ट स्टेप, बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं। करंट अकाउंट का बनाया हमने पहला। सो करंट अकाउंट का बैलेंस, करंट अकाउंट लाइबिलिटी में है सो क्रेडिट में बैलेंस जाएगा। सो कम टू करंट अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट पार्टनर 2400, सेकेंड पार्टनर 2800। सो करंट अकाउंट का हमने बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया है। नेक्स्ट, ऑन 1 अप्रैल ओम वॉज एडमिटेड। सो बैलेंस शीट की डेट होगी 1 अप्रैल 2019। लाइबिलिटी साइड में कोई जनरल रिजर्व्स एंड ऑल नहीं है, अगर होगा तो करंट अकाउंट में हम इफेक्ट देंगे। कैपिटल अकाउंट जो भी है वो लाइबिलिटी में डायरेक्ट पोस्ट करो। राधा और विकास 2 लाख राधा का और 1,20,000 विकास का। न्यू पार्टनर ओम आया है तो ओम ने कितना कैपिटल लाया है, ओम ब्रिंग्स इन 80,000। सो लाइबिलिटी साइड में लिखो 80,000, ओम 80,000। सो टोटल कैपिटल विल बी 4 लाख इन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। नाउ विल मूव टूवर्ड्स अवर एडजस्टमेंट। प्रीमाइसिस वे वैल्यूड एट 3,40,000। चेक द क्वेश्चन। इन क्वेश्चन द प्रीमाइसिस इज 2,80,000 एंड इन एडजस्टमेंट द प्रीमाइसिस वैल्यूड इज 3,40,000, मतलब इंक्रीज हुआ है, सो इट्स एप्रिसिएशन। सो कम टू अवर बैलेंस शीट, राइट इन असेट साइड 2,80,000 एंड आउटर कॉलम आंसर इज 3,40,000। सो एप्रिसिएशन अमाउंट विल बी 60,000। वेन यूर देर इज एप्रिसिएशन इन असेट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। सो कम टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिट साइड बाय प्रीमाइसिस अकाउंट, कितने से एप्रिसिएशन हुआ है, 60,000। सो राइट 60,000। नेक्स्ट पॉइंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर 20,800, अभी कम हुआ है सो इट्स डेप्रिसिएशन। कम टू बैलेंस शीट, फर्नीचर एंड फिक्सचर 22,800, लेस डेप्रिसिएशन 2,000, सो आंसर विल बी 20,800। सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड टू फर्नीचर अकाउंट 2,000। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेट 2,000 वॉज मेड, सो डेटर्स पे होती है RDD। सो कम टू डेटर्स बैलेंस शीट असेट साइड, राइट डेटर्स 18,200 लेस RDD 2,000, आंसर विल गेट 16,200। सेकेंड इफेक्ट अगेन, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड टू RDD अकाउंट 2,000। नेक्स्ट, स्टॉक रीवैल्यूड 58,000। क्वेश्चन इज स्टॉक इज 54, नाउ अगेन 58, सो इट्स अगेन एप्रिसिएशन बाय 4,000। कम टू बैलेंस शीट, राइट स्टॉक 54,000, असेट साइड एड एप्रिसिएशन 4,000, टोटल 58। सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड बाय स्टॉक अकाउंट 4,000। आफ्टर दैट फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीटेड, सेकेंड एडजस्टमेंट ओम शुड ब्रिंग 80,000 एज कैपिटल, पहले हो गया हमारा 20,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल। सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में तो इफेक्ट नहीं होगा, बट करंट अकाउंट में जाएगा बाय गुडविल, जो भी उसने शेयर लाया गुडविल का उसको। सो गुडविल ब्रॉट इन कैश इज 20,000 और उसको रिटेन करना है बिजनेस में, सो करंट अकाउंट के क्रेडिट में बाय गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करो रेशियो में 3:2 में, दोनों पार्टनर में 12,000 एंड 8,000 आ जाएगा। लोन वॉज बाबू वॉज पेड बोला है, रीपेड बोला है, सो लाइबिलिटी में लोन नहीं दिखेगा, कैश में से पैसा चला जाएगा। अब फर्स्ट अकाउंट क्लोज करते हैं। क्रेडिट की टोटल है 64,000, डेबिट माइनस करेंगे 4,000 से आंसर मिलेगा 60,000 का प्रॉफिट। दोनों ओल्ड पार्टनर में शेयर करो और करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र 36,000 एंड 24,000। करंट अकाउंट में क्रेडिट में लेके आओ बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 36,000 एंड 24,000। क्लोज करो तो करंट अकाउंट क्रेडिट टोटल फर्स्ट पार्टनर 5,400, सेकेंड पार्टनर 34,800, बैलेंस कैरी डाउन कर दो 34,850,400। दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, करंट अकाउंट राधा 50,400 एंड विकास 34,800। अब क्वेश्चन में जो जो पॉइंट्स पेंडिंग है वो लिखो। क्रेडिटर्स डायरेक्ट एज इट इज लाइबिलिटी साइड 12,000, अलॉन्ग विद डैट असेट्स में देख लेते हैं कौन सा पॉइंट पेंडिंग है। प्रीमाइसिस कंप्लीट हुआ है, फर्नीचर कंप्लीट, स्टॉक कंप्लीट, डेटर्स कंप्लीट, कैश इज रिमेनिंग।
सो कैश देखते हैं। फर्स्ट कैश हमारे पास ओपनिंग में 2200 था, उसमें नया कैश कितना आया 80,000 और अलॉन्ग विद डैट गुडविल का गुडविल एंड 20,000 ऐसे शेयर ऑफ गुडविल, उसने कैपिटल भी लाया और गुडविल भी लाया। सो 2200 प्लस 80,000 प्लस 20,000, सो 80,000 प्लस 20 इज 1 लाख, 1 लाख और वो 2200 तो कितना आया 1 लाख 2200, 1 लाख 2200 में से लोन का अमाउंट पे करेंगे। लोन की अमाउंट कितनी है, लोन अमाउंट इज 40,000, सो लोन का अमाउंट माइनस करेंगे 40,000, सो अमाउंट आएगा 62,200। सो कैश का बैलेंस आएगा 62,200, सो हम कैश असेट्स में लिखेंगे 62,200, गुडविल और कैपिटल प्लस होगा, ओपनिंग बैलेंस प्लस होगा, लोन पेड हुआ है वो माइनस होगा। अब सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब बैलेंस शीट की टोटल करेंगे। क्रेडिट और डेबिट नहीं होती है बैलेंस शीट को, लाइबिलिटी साइड और असेट साइड होती है। सो लाइबिलिटी साइड की जो टोटल है वो आई हमारी 4,97,200, सेम टोटल असेट्स की भी आनी चाहिए 4,97,200। फाइनली अपना बैलेंस शीट टैली हो जाएगी विद सेम अमाउंट। सो दिस वॉज योर प्रॉब्लम नंबर 13। सो आई होप आपको लेक्चर समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। टिल दैट टाइम वर्क हार्ड एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।